आर्थिक वर्ष 2024-25 का आज केंद्रीय बजट पेश हुआ। आमतौर पर इसे देश का आम बजट भी कहा जाता है, लेकिन आज का बजट आम लोगों के लिए नहीं, खास लोगों का बजट था। और यह बजट पूर्णतः प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाओ या सत्ता बचाओ योजना के अंतर्गत आया। यह देश का बजट कतई नहीं, इस बजट से यह पूरी तरह से प्रतीत हुआ कि केंद्र की सत्ता अपने स्थिरता के लिए इतनी डरी और सहमी हुई है कि उसे आंध्र प्रदेश को विशेष लाभ पहुंचाना है, साथ साथ बिहार को भी। बाकी 27 राज्य, थोड़ा बहुत उड़ीसा के लिए भी, और बाकी 27 राज्य लगता है कि अब इस देश में ही नहीं है। यह चुनाव में जिस प्रकार से मुद्दे विहीन होकर भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल सांप्रदायिक बातें की, उसी का यह झलक भी दिखता है। बजट को 9 हाईलाइट किए गए, 9 पॉइंट को, जिसमें सबसे ऊपर एग्रीकल्चर को रखा गया, लेकिन विडंबना यही है 19-20 फाइनेंशियल ईयर में जिस एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 6.5% बजट का हिस्सा हुआ करता था, आज वो घटकर 3.9% पे आ गया। MSP की कोई चर्चा नहीं हुई, जो मोटा क्रॉप है जिससे पेट भरा जाता है उस पर कोई बातें नहीं, केवल फल और सब्जी पर बातें, वो भी मात्र 1-5 साल का परियोजना को लेकर। दूसरा पॉइंट जो एम्प्लॉयमेंट का था, रोजगार का था, कल हम लोगों ने देखा था कि आर्थिक सर्वेक्षण जब पेश हुआ तो देश का बेरोजगारी दर केंद्र सरकार ने 3.2% बताया, लेकिन सरकार की ही जो एक सहयोगी संस्था है CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी रिपोर्ट करती है, उनका आकलन था बेरोजगारी दर 9.2%। कोई नई सरकारी नौकरी की कोई घोषणा नहीं हुई, जो 30 लाख सरकारी पद खाली है उनकी नियुक्ति के संबंध में कोई बातें नहीं। बातें क्या हुई, अगले 5 वर्षों तक
एक करोड़ युवाओं को जो बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें 5,000 के वेतनमान पर अस्थायी नौकरी दी जाएगी, मतलब प्रतिवर्ष 20 लाख नौजवानों को ही 5,000 की नौकरी होगी, जिसमें IIT से पढ़े हुए जो इंजीनियर हैं उनको भी 5,000 की नौकरी दी जाएगी, जो ITI से पढ़े हैं उनको भी 5,000 की नौकरी। ये बजट पर्यटन पर, उसमें कितने रोजगार सृजन होंगे उसकी कोई परिकल्पना नहीं की गई। हम कह सकते हैं कि यह बजट ऐसा है कि किसी को यदि कैंसर हुआ है तो डॉक्टर बोलेगा उसमें बैंडेड लगा लो, मतलब घाव ऐसा भयानक है जिसमें आदमी की जीवन लीला समाप्त हो सकती है, उसको कहा जा रहा है कि तुम बैंडेड लगा लो घाव पे, उसकी सर्जरी नहीं है, उसकी केमोथेरेपी नहीं होगी। ये बजट हमारे वित्त मंत्री जब बजट पढ़ रही थी उनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि बजट है क्या, हम किसके लिए ये दस्तावेज पढ़ रहे हैं। शिक्षा पर कोई भी बातें नहीं, स्वास्थ्य पर कोई बातें नहीं, इलाज महंगा होगा सोना सस्ता होगा, लोगों को कहा गया ज्यादा से ज्यादा मोबाइल खरीदिए, और यदि एक मोबाइल है तो 4 चार्जर खरीदिए क्योंकि उसमें दाम घटा दिया गया। महंगाई पर कोई बातें नहीं, GDP का परिकल्पना केवल सपना रह गया। मिडिल क्लास जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं, जो थोड़ा बहुत बचत करते थे, कहीं शेयर में लगाते थे, कहीं म्यूचुअल फंड में लगाते थे, उनको नसीहत दी गई कि ऐसा मत करें, बाजार के हालात ठीक नहीं, आपके पैसे डूब जाएंगे।